हेलो गाइस, एनटीपीसी 2024 के 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। कल हमने स्टार्ट किया था एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मेंसुरेशन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम टॉपिक पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। और क्योंकि मेंसुरेशन के टॉपिक बहुत बारीक टॉपिक होते हैं, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से क्लियर नहीं किया तो ये टॉपिक्स बाद में आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो लेक्चर फॉलो कर सकते हो। और वीडियो लेक्चर के लिए आप कुछ फेमस टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आते हैं गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, आदित्य रंजन सर के बाद अभिनय शर्मा सर, उसके बाद आगे पवन राव सर, और राकेश यादव सर। ये कुछ फेमस टीचर्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है ये टॉपिक पढ़ाने का। आपको जिनका लैंग्वेज अच्छा लगे, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करो, उन्हें आप फॉलो कर सकते हो और अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास जो भी बुक है इस टॉपिक के रिलेटेड, उस बुक को आप फॉलो कर सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो। आप वीडियो लेक्चर देख के भी नोट्स बना सकते हो, सेल्फ स्टडी करके तो नोट्स बनाना ही है। और अगर आपके पास बुक नहीं है और बुक लेना चाहते हो तो ब्रह्मास जैसे बुक हैं, और गगन प्रताप सर का भी एक बुक है। आप इनके बुक को फॉलो कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, मेंसुरेशन टॉपिक जो है ये बहुत बारीक टॉपिक है, इसमें आपके डाउट्स सारे क्लियर होने चाहिए। तो अगर कोई टॉपिक आपने छेड़ा है, कोई टॉपिक आपने स्टार्ट किया है, तो उसको अच्छे से डाउट्स क्लियर करके कंप्लीट करो और उसका रिवीजन करो आप, तभी ये क्लियर हो सकता है, नहीं तो ये आपको बाद में परेशान कर सकती है। रीजनिंग अगर देखा जाए तो रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी रीजनिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है, जिसमें हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कर रहे थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में हमने 301 से 423 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। इसको रिवाइज भी करना है और इसके बाद टाइप टू स्टार्ट करना है। टाइप टू में हम 200 क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे एक दिन में, और इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 100 मिनट। 100 मिनट में आप अगर 200 क्वेश्चन क्लियर करते हो तो टाइप टू हम एक या दो दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 800 से 1000 क्वेश्चन के बीच इसमें क्वेश्चंस होते हैं, आपको 200 क्वेश्चन 100 मिनट में इसको क्लियर करना है। जीके अगर देखें तो जीके में हम अगर हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो हिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स इन बंगाल, उसके बाद बंगाल के नवाब, पलासी का युद्ध पढ़ना है, पलासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध। ये हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए।
उसके बाद अगर हम देखें पॉलिटी में, तो पॉलिटी में हमने आर्टिकल से स्टार्ट किया था, तो आर्टिकल में डे 3 है और इसमें हर रोज 20 से 25 आर्टिकल हमने रिमेम्बर करना है। फिर इसको रिवाइज भी करना है, सॉरी। बीस से 25 आर्टिकल पर डे, थोड़ा डिस्टर्बेंस है वीडियो बनाते टाइम, क्योंकि मेरे पास उतना प्रॉपर सेटअप नहीं है यहाँ पे कि मैं प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ, उसके लिए सॉरी। आर्टिकल हमने क्लियर करना है आज 20 से 25 आर्टिकल पर डे। अगर पर डे हम इतना आर्टिकल पढ़े लूसेंट से या फिर वीडियो लेक्चर जो शेयर किया गया है उससे, तो ये हमारा आर्टिकल कम्प्लीट हो सकता है बहुत जल्दी।